यहां पे मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, एक्स स्क्वायर डी एक्स डिवाइड बाय रूट अंडर एक्स का पावर 6 प्लस ए का पावर 6। एक्स के रूप में हमेशा क्वाड्रेटिक होना चाहिए, तो यहां पे आप खुद देखिए डिनोमिनेटर में एक्स के रूप में क्वाड्रेटिक नहीं है, तो हम इसको क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर डी एक्स, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं एक्स क्यूब होल स्क्वायर प्लस ए क्यूब होल स्क्वायर। अब आप खुद देखिए यहां पे ये क्वाड्रेटिक तो है लेकिन एक्स के रूप में नहीं है, ये एक्स क्यूब के रूप में, तो इसलिए हम एक्स क्यूब को क्या मानेंगे, टी। अब सब्स्टिट्यूशन के बाद पहला स्टेप डिफ्रेंसिएशन का, अब हम इसको डिफ्रेंसिएट करते हैं, थ्री एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये डी टी आया, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स क्या आ जाएगा, वन बाई थ्री डी टी, तो एक्स स्क्वायर डी एक्स की जगह पे वन बाई थ्री डी टी, वन बाई थ्री बाहर किए, ये डी टी डिवाइड बाई एक्स क्यूब के जगह पे टी रखेंगे, तो ये टी स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर। अब आप खुद देख सकते हैं ये पूरा पूरी फॉर्मूला में आ गया है। अच्छा, यहां पे रूट है तो यहां पे रूट हम लेके चलेंगे, ये रूट अंडर और ये भी आपका रूट, तो अब आपके पास ये फॉर्मूला में आ गया। फॉर्मूला आप लोग सभी लोग जानते हैं, डी एक्स डिवाइड बाई रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला। ये फॉर्मूला क्या होता है, लॉग एक्स प्लस रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का मॉड। तो यहां पे x के प्लेस पे क्या है, t, तो ये आपके पास 1 बाई थ्री लॉग t प्लस रूट अंडर, ये देखिए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, मतलब जो डिनोमिनेटर में कंप्लीट, तो यहां पे डिनोमिनेटर में ये कंप्लीट है, तो ये t स्क्वायर प्लस ए क्यूब का होल स्क्वायर का मॉड बना। अब t किसके बराबर है, एक्स क्यूब के बराबर, तो इन प्लेस ऑफ t हम क्या रखेंगे, एक्स क्यूब, तो ये आपके पास 1 बाई थ्री लॉग मॉड टी के जगह पे एक्स क्यूब रखें प्लस रूट अंडर, ये टी के जगह पे एक्स क्यूब रखेंगे तो टी स्क्वायर क्या बनेगा, एक्स का पावर 6 प्लस ये आपके पास क्या बनेगा, ए का पावर 6 का मॉड प्लस सी, ये आपका रिजल्ट हो गया। तो देख सकते हैं यहां पे जो सब्स्टिट्यूशन करना था वो एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी करना था, जैसे ही हम एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी किए ये प्रॉब्लम बहुत आराम से फॉर्मूला में चेंज हो गया सम स्पेशल इंटीग्रेशन के, इसके आप फॉर्मूला अप्लाई कर दिए, मेरे पास रिजल्ट आ गया।